नागपुर जिला ग्रामीण महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से झांसी रानी स्क्वायर सीतावर्डी में सोमवार को देश के लिए लड़ने वाले खिलाड़ियों के खर्चों का हिसाब मांगने वाले बीजेपी सरकार के विरोध में धरना आंदोलन किया गया। इस मौके पर सुनील केदार, रामटेक लोकसभा सांसद श्याम बर्वे, रश्मि बर्वे, अवंतिका लेकुर वाले सहित तमाम महिला कांग्रेस सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मार्गदर्शन होणार आहे केदार साहेबांचं, आपल्याला काँग्रेस दाखवायचे। विनेश पोगाड ही तुमची पण बहीण आहे। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसा है आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा। देश का नेता कैसा हो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महाराष्ट्र प्रदेश ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से वैरायटी स्क्वायर पर भव्य धरना प्रदर्शन किया गया है, जहां पर विनेश तू है देश का सम्मान, हर नारी हो तेरा तेरे समान। नागपुर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहां पर विनेश फोगाट को लेकर उसके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है, ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर जो महिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से है, ये जो है इन्होंने इसके विरोध में, सरकार के विरोध में जो है अपना रोष व्यक्त किया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मार्गदर्शन राहुल जी ने जेव्हा विनेश फोगाट और बोललो की अन्याय झालेला आहे, आणि त्या मंत्र्याने जेव्हा हिशोब मांडला एका खेळाडूचा की आम्ही किती पैसे दिले, आम्ही त्यांना उत्तर विचारलं आणि त्यांनी फक्त पैशाचा हिशोब दिला, त्याच्यावर तर काही बोलले नाही। खूप शोकांतिका वाटली आम्हाला, कारण की संसदेमध्ये आम्हाला तेवढा वेळ मिळत नाही, पण आज इथं आपल्याला सर्वांना वेळ मिळत आहे। काय एका मुलीवर कशा प्रकारे अत्याचार झाला आपण आपल्या डोळ्यासमोर बघत आहोत, आणि हतबल होऊन सर्व देशातली जनता बघत आहे। पण काँग्रेस, महिला काँग्रेसला आपल्याला अभिनंदनच करावं लागेल बाबूजी, की यांनी, मला वाटते महाराष्ट्रामधला पहिला जे आंदोलन असेल जे नागपूरमध्ये होत आहे, त्या एक विनेश फोगाट आपल्या एका महिला भगिनीकरिता पूर्ण महिला काँग्रेस इथं एकत्रित झालेली आहे। मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की ह्या आंदोलनामध्ये मला सहभागी होता आला, कारण की ज्याप्रमाणे महिलांवर अत्याचार सुरू आहे मणिपूरवर, आम्ही 2 तास संसदमध्ये बोंबा ठोकत राहिलो, पण त्या पंतप्रधानांनी एक शब्द मणिपूरवर काढलेला नाही, हातरसवर कधी बोलत नाही, असे अनेक उदाहरणं आहे ज्या महिला अत्याचार होत आहे आणि त्याच्यावर देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री बोलत नाही। त्यांचा नारा होता बेटी बचाओ बेटी पढाओ, पण तो नारा कुठेतरी हरवला दिसत आहे। म्हणून आज ह्या महिला भगिनींना मी खूप शुभेच्छा देतो की आपण एक चांगला कार्यक्रम आज आयोजित केलेला आहे, आणि एका महिलेकरता एका महिलेनं उभं व्हायलाच पाहिजे, जेणेकरून महिलेची ताकद या देशाच्या पंतप्रधानाला कळली पाहिजे। एवढंच बोलून मी माझे 2 सदस्य म्हणतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मार्गदर्शन होणार आहे केदार साहेब। क्रांतीच्या नावाने ओळखतो, महिला शक्तीच्या नावाने नागून त्याच्यापुढे नतमस्तक होतो, त्या राणी लक्ष्मीबाईच्या चरणी नतमस्तक होतो, त्यांच्याकडनं प्रेरणा घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि आशीर्वादही मागतो। आजच्या या आंदोलनासाठी प्रामुख्याने उपस्थित असलेले आपल्या सगळ्याच्या आशीर्वादानं आणि ग्रामीण भागाच्या आणि शहराच्या लोकांच्या अथक प्रेमानं नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये खासदार म्हणून जे निवडून आले सन्माननीय लाडके खासदार श्री श्यामकुमार बर्वेजी, ज्या महिला
नागपूर ग्रामीण महिला कांग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा कुंदा राऊत, जिल्हा परिषदेच्या सन्मान्य अध्यक्षा सौभाग्यवती मुक्ताताई कोकड्डे, जिल्हा परिषदेचं कोरोनाच्या काळामध्ये अत्यंत यशस्वी असं अध्यक्षपद ज्यांनी भूषवलं, सौभाग्यवती रश्मीताई बर्वे, महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पर एक बहुत ही धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? महिला कांग्रेस ने जो आंदोलन आज स्टार्ट किया है उसी का उत्साह बढ़ाने के लिए माननीय हमारे सबके नेता सुनील बाबू केदार, उनके साथ मैं आया हूँ यहाँ पे। हमारे जितने महिला बहनें हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आया है, क्योंकि देश में जिस तरीके से महिलाओं का अपमान हो रहा है और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है और देश के पंत प्रधान उसमें एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हमने संसद में भी ये विषय उठाया था कि विनेश फोगाट पे के ऊपर जो अन्याय हुआ उस पर जवाब देने के लिए जब क्रीड़ा मंत्री आए तो उन्होंने सिर्फ हिसाब दिया, और वो हिसाब कोई भी ऐसा देता नहीं है, क्योंकि अपने देश की खिलाड़ी अपनी बच्ची है, अपनी बहन है, उस पर जो खर्चा करते हैं उसका हिसाब नहीं दिया। उन्होंने एक शब्द भी वहाँ पर ये नहीं बोला कि हमको खेद है कि विनेश फोगाट के साथ में ऐसा हुआ, वो सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ उन्होंने हिसाब दिया। इसीलिए हम ये सब आंदोलन कर रहे हैं महिला। नागपुर ही पहला ऐसा होगा जहां पर नागपुर ग्रामीण जिला महिला कमेटी की ओर से इस तरह का आंदोलन जो है वो किया गया। निश्चित ही आप महाराष्ट्र में कहीं पे भी आपको दिखा नहीं होगा, और ये नागपुर की भूमि जो है ये कर्म भूमि है। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, तो यहाँ पर हमारे रामटेक में श्री राम प्रभु जी है, तो इस भूमि में बहुत ये है कि यहाँ से जो आंदोलन तैयार होता है वो पूरे महाराष्ट्र में फैलेगा, इसके निश्चित ही मुझे आशा है। यहाँ पर हमारे साथ रश्मिताई बर्वे भी हैं। रश्मिताई, आपके यहाँ देख सकते हैं कि महिला ग्रामीण महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बड़ी संख्या में आपके नेतृत्व में यहाँ पर लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्या मुद्दा है? पहले मैं आप सबको यहाँ पे जो हमारी नागपुर कांग्रेस कमेटी की जो महिला कांग्रेस और सभी पक्षों की महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उनकी सभी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला आई है उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। एक नागपुर ऐसा पहला शहर है जो इन्होंने विनेश फोगाट पे जो अन्याय हुआ है उनके बारे में खेद अपन ने सभी महिलाओं ने जताया है। आदरणीय केदार साहब के नेतृत्व में हमने ये धरने आंदोलन एक दिन का हमने यहाँ पर रखा है। केंद्र शासन ने जो विनेश फोगाट पे जो अन्याय किया है, एक तरफ हम बोलते हैं हमारी बेटी एक विनेश फोगाट ये मेरे परिवार की बेटी है, ऐसा पंत प्रधान जी ने उनका जब लास्ट जब वो बात हो गई तब उनको उन्होंने बोला पंत प्रधान ने कि विनेश फोगाट मेरे परिवार की बेटी है, और एक तरफ पंत प्रधान का स्टेटमेंट ऐसा रहता है और दूसरी तरफ खेड़ाडू मंत्री जो संसद में ये वक्तव्य करते हैं कि विनेश फोगाट के ऊपर हमने भारत ने 70 लाख रुपये खर्च किया है। मैं आपके माध्यम से केंद्र शासन को पूछना चाहती हूँ, ये कैसी संस्कृति है? आप अपने बच्चों को जो भी बचपन से लेके लिखा के पढ़ा के आप बड़ा करते हो, मेडल लाते हो, तो उनका खर्चा माँ बाप अपने बच्चों का सामने नहीं रखते? यह संस्कृति खेदजनक है, इस पर विचार विनिमय होना चाहिए। एक हेतु परस्पर जब साक्षी मलिक इनका जो यौन शोषण हुआ तो जंतर मंतर पे अपनी विनेश फोगाट इनके नेतृत्व में सभी खिलाड़ियों ने वहाँ पे जंतर मंतर दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उस हेतु का उसका बदला लेने के लिए। और आज केंद्र शासन ने जो एक षड्यंत्र रचाकर सिर्फ 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से उनको बात किया, यह जो घटना है यह आपत्तिजनक है, लज्जास्पद है। आज आप हमने जब बोला कि देश की आप अपनी बेटी होने के नाते आज यह अन्याय सिर्फ विनेश फोगाट पे ही नहीं भारत के सभी खिलाड़ियों पे यह अन्याय हुआ है, और भविष्य में ऐसा अन्याय ना हो इसके बारे में केंद्र सरकार 100 बार सोचे। इस विषय में हमने आज महिला कांग्रेस ने आदरणीय केदार साहब के नेतृत्व में रामटेक लोकसभा खासदार जी के नेतृत्व में हम सभी महिलाओं ने यह आंदोलन एक दिन का यहाँ पे रखा है।
नागपुर जिला महिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से यहां पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहां उपस्थित हैं और उनका मेन मकसद वही है कि जिस तरह से विनेश फोगाट के साथ अत्याचार किया गया उस बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी लगे, वो सारी चीज़ें जो है वो बेतुके थे। हमारे देश में स्त्रियों को जो सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो असली हकदार है, इस तरह की चीज़ों के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जो है वो दोषी करार दिया है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। कैमरा पर्सन विलास के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।